नमस्कार दोस्तों, तो एक नई ट्रिप के साथ आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं मैहर और ये देखिए मेमो ट्रेन जिससे कि हम मैहर को जा रहे हैं और इस बार हम अकेले नहीं अपनी पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं बीना से मैहर तक के रास्ते में क्या होता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों ये है बीना से कटनी तक की मेमो ट्रेन जो कि बिल्कुल लगभग खाली है क्योंकि ये बीना से ही शुरू होती है और यहाँ से अब हम लोग जाएंगे इस ट्रेन से कटनी तक। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम अपने अपने जगह पर बैठ के जा रहे हैं मैहर धाम को। ये हमारी फैमिली और सभी लोग अब हम लोग जा रहे हैं मैहर धाम जो कि बीना से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं और देखते रहिए हमारे इस वीडियो को। तो दोस्तों मैहर एक बहुत ही फेमस पवित्र तीर्थ स्थान है जो कि माँ शारदा के पवित्र मंदिर के लिए फेमस है और हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे कि मैहर धाम जाएँ और फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं और हम लोगों ने सुबह 5 बजे की ट्रेन से ये यात्रा शुरू की है और अभी हम लोग आधी दूरी पर भी नहीं पहुंचे हैं और हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं और वहां जाएंगे, माँ शारदा के दर्शन करेंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे और घूमेंगे मैहर धाम। तो दोस्तों अभी हम लोग आए हैं कटनी जंक्शन, यहाँ पर हमारी ट्रेन थोड़ी देर रुकेगी और उसके बाद यहाँ से कटनी से मैहर के लिए हम लोग जाएंगे। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं ये हमारी ट्रेन बीना कटनी मेमो, ये देखिए जो कि यहाँ पर करीब 1 घंटा रुकेगी अभी और यहाँ पर अभी हम लोग रुके हैं ट्रेन से बाहर। ये देखिए ये है कटनी स्टेशन, आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पर हमारी ट्रेन कम से कम दोस्तों 1 घंटा रुकेगी और हम लोग लेट भी हो रहे हैं। लगभग हम लोग 2 बजे के समथिंग पहुंचेंगे, सुबह 5 बजे निकले थे और अभी 1 बज चुका है और अभी 1 घंटा यहां पर रुकने के बाद ये ट्रेन चलेगी। तो गाइस मेमो से ये सफ़र हम लोगों को बहुत महंगा पड़ गया है लेकिन चलिए जैसा माँ की इच्छा होगी वैसे हम लोग पहुंच ही जाएंगे धीरे धीरे। और ये देखिए कटनी स्टेशन और देखिए दोस्तों जब हम लोग निकले थे तो बिल्कुल मौसम साफ था लेकिन अभी लगभग हम लोग मैहर से 30 या 40 किलोमीटर दूर हैं और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि मौसम बिल्कुल ही अचानक बदल गया है, बरसात का मौसम बन गया है। एक अजीब सी बात देखने को मिली हम लोगों को, मतलब कि ये देखिए तेज़ हवाएं चल रही हैं, छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं, बारिश का मौसम अचानक बन गया और पता नहीं क्या क्या होगा आगे। तो चलिए आप लोगों को दिखाते रहेंगे जो जो होगा। ये देखिए हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं, बिल्कुल काले बादल छा गए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है लेकिन मौसम एकदम मस्त हो गया है। और ये देखिए आप लोगों को हम दिखाते रहेंगे और जब तक मैहर पहुंच नहीं जाते तब तक हम लोग भी रुकेंगे नहीं। और ये देखिए फाइनली हम लोगों की ट्रेन चल पड़ी है और अभी हम लोग ज़्यादा दूर नहीं हैं मैहर धाम से। तो दोस्तों बहुत ही दिनों में हम लोगों को ये मौका मिला है कि हम लोग एक साथ मैहर जा रहे हैं, वरना हम अलग घूमते रहते हैं, पिताजी को टाइम नहीं मिलता काम की वजह से, लेकिन आज फाइनली हम लोग एक साथ मैहर जा रहे हैं। तो आप लोग भी गाइस एक बार ज़रूर अपनी फैमिली के साथ मैहर धाम ज़रूर आइए जो कि सतना ज़िले में पड़ता है। मैहर धाम बहुत अच्छी जगह है घूमने को और आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा मैहर घुमाएँगे। ये वीडियो में हम आपको मैहर स्टेशन तक की वीडियो डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम आपको बिल्कुल मैहर स्टेशन से मैहर धाम पूरा घुमाएंगे उसमें। और ये देखिए अब हम लोग मैहर पहुंचने वाले हैं, कटनी से ट्रेन खाली हो चुकी है। ये देखिए हमारी फैमिली बिल्कुल आराम से जा रही है इस ट्रेन में। एक सुविधा हम लोगों को ये मिली कि बिल्कुल पूरी तरह सुविधाजनक यात्रा हो गई हमारी, सोते हुए सब लोग जा रहे हैं हम लोग। ये देखिए चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, मौसम बिल्कुल सुहाना हो गया है, एकदम ठंडक सी आ गई है। तो गाइस अभी हम लोग मैहर से सिर्फ 1 स्टेशन दूर हैं। फाइनली गाइस
इतनी यात्रा और इतनी लंबी यात्रा करके अब हम लोग सिर्फ एक स्टेशन दूर है मैहर धाम से। अगला स्टॉप हम लोगों का मैहर धाम है। चलिए फाइनली हम लोगों का वेट पूरा होगा और चलते हैं। और ये हमारी गाड़ी चलने लगी और अब हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि हम लोग फाइनली मैहर पहुंचने वाले हैं। चलिए गाइस दिखाते हैं आपको मैहर स्टेशन पहुंच के। तो गाइस नेक्स्ट स्टॉप हमारा मैहर धाम है। ये देखिए अगला स्टेशन मैहर है। ये देखिए। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। लगभग 5 किलोमीटर मैहर लोक रह गया है यहाँ से और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि फाइनली हम लोग मैहर पहुंचने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, तो ये है मैहर स्टेशन। हम लोग पहुंच चुके हैं मैहर धाम। मैहर स्टेशन में हमारा बहुत स्वागत है, ये लिखा हुआ है कि मैहर स्टेशन पर आपका स्वागत है यात्रियों का। तो गाइस बहुत इंतज़ार के बाद फाइनली आज हम लोग पहुंच गए हैं मैहर स्टेशन और यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ पहले से लगी हुई है। और ये हमारी फैमिली जो कि हम लोग पहुंच चुके हैं मैहर धाम। और अब हम नेक्स्ट वीडियो आपको डालेंगे, उसमें हम स्टेशन से लेके मैहर मंदिर तक की वीडियो डालेंगे आप लोगों को, जिसमें हम आपको मंदिर घुमाएंगे। और फिलहाल हम आपको स्टेशन तक की वीडियो डाल रहे हैं। ये देखिए मैहर स्टेशन, और यहाँ हम अपनी वीडियो को विराम देंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मैहर